बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली के मेम्बरान, आज मैं आप लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं सबके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये रेसिपी जो है तो ये बहुत ज़बरदस्त है हमारे यहाँ, क्योंकि होता ये है कि रोज़े रमज़ान में चावल ज़रा कम खाए जाते हैं, इसलिए मैंने इतने दिनों से ना ये चावल की ज़रा रेसिपी कम ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने चावल की रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है ये तकरीबन जो है मटर आलू की रेसिपी है। मटर आलू का पुलाव बनाया है, ये पुलाव है मटर आलू का, जिसमें मैंने जो है ये एक कप जो है ये चावल लिए है। आप ये देखिए, ये एक कप चावल लिए हैं, और इसके अलावा जो मैंने ये चीज़ें ली हैं तो उसमें सिर्फ एक बड़ा टमाटर लिया है, और इसके अलावा जो ये सौंफ है तो सौंफ जो है ये मैंने आधा टीस्पून लिया है। इसके अलावा ये भुनी प्याज है, ये दो प्याज मैंने नॉर्मल दो प्याजें भून ली हैं, और ये तीन जो है ये हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला है जिसमें तकरीबन 10 के करीब जो है गोल मिर्च है, एक लकड़ी है, और दो जो है बड़ी वो है इलायची हैं, और चार पांच जो है वो लौंग हैं। बस ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें देख लिया। मैं डालूंगी तो आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो बस अब उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। और इसके बाद ये नमक भी रखा है इसमें, और सौंफ भी रखी हुई है। सौंफ आधा टीस्पून लिया मैंने। ये नमक जो है ये लाहौरी नमक है, इसलिए पिंक पिंक लग रहा है। आप लोग भी लाहौरी नमक खाया करें, अच्छी चीज़ होती है। चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें थोड़ा। हमने भी अब चेंज किया है, बहुत अरसे से हम भी वो दूसरा नमक खाते थे, लेकिन अब हम ये नमक लेने लगे। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी चेंज की हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो है ये ऑयल है, और ऑयल मैंने थिक क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक वो है चावल जो है सिर्फ एक है, तो इसलिए मैंने चावल जो लिए हैं तो एक कप लिया है सिर्फ चावल, और मैंने 10 मिनट पहले इसको भिगा दिए थे। अच्छा, अब जो मैं तमाम चीज़ें इसमें डालती हूँ तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी ये चीज़ें जो है। तो वेलकम बैक मुनव्वर सुल्ताना किचन। ये मैं देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था ये मसाले और ये सारी चीज़ें रखी थी, तो मैंने मसाले डाल दिए और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि ये जले नहीं। और ये मसाले के बाद मैं ऐसा करूँगी कि अब इसके अंदर ये तमाम जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, ये आलू मटर और टमाटर, तो बाकी चीज़ें डाल चुकी हूँ, ये बाकी मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी, आज थोड़ी तेज़ करूँगी क्योंकि बहुत हल्की की हुई मैंने आज। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है वो मुनव्वर सुल्ताना के किचन के नाम से है, और आप लोग बहुत फीडबैक मुझे देते हैं, जिसका बहुत थैंक्स है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी चीज़ें मुझे भी भेजते रहें। मैं भी आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये मुझे अपनी रेसिपी भेजें, मैं ज़रूर आपके फीडबैक दूंगी। जिस तरह के आप लोग देते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग पसंद करते हैं, और न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि आप बना के उसको ट्राई भी करते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मेरा तरीका ये है कि मैं हमेशा ना जितनी चीज़ डालती हूँ उतनी ही डालती हूँ, जितने मसाले मैंने डाले आपको बताया बिल्कुल उसी तरह से डालेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो अभी मैंने ये आलू और ये डाल दिया, और इसमें मैं जो है पानी डाल देती हूँ, दो कप पानी डाल देती हूँ, ताकि ये पानी डालने से ये क्या होगा कि एक कप तो मैंने डाल दिया, एक कप मैं अभी और डाल देती हूँ, तो इस तरह से ये आलू और मटर ये सब गल चुके होंगे, तो फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल मैंने थोड़े भिगा के रखे हुए थे, आपको पता है चावल भी मैंने आपको दिखाए थे, फिर चावल डाल देंगे ये ज़रा सा थोड़ा सा गल जाए तो। वेलकम बैक।
जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर जो है मसाला मैंने डाला था, मसाले के बाद मैंने मटर, आलू और टमाटर डाल दिए थे और ये चावल भी डाल दिए। ये देखिए अब ये चावल थोड़े से हो जाए तो मैं इसके अंदर जो है वो पानी डाल देती हूँ। अब ये इसके ये मैंने कर दिया है। आप लोगों को पता है मुनव्वर सुल्ताना के किचन से ये मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए ये चावल भी डले हुए हैं, ये सब कुछ है, गल चुके हैं सारी चीज़ें। और इसमें मज़ीद मैं एक कप और डालूँगी और हल्की आँच कर दूँगी। ये देखिए और मैं मुनव्वर सुल्ताना के किचन से बात कर रही हूँ। और आप लोग जो है जहाँ भी रहें खुश रहें और इसी तरह से आप लोग रेसिपी बनाते रहें और मुझे भी फीडबैक देते रहें, ख़ुद भी आप फीडबैक लेते रहें। और उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब इसके बाद मैं जब ये चावल पक चुकेंगे तो फिर मैं डिश आउट कर लूँगी इसमें। ये देखिए ये बस अब इसको हल्के आँच में मैं छोड़ देती हूँ। वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। जैसा कि आपको मालूम है आज मैं मटर पुलाव, मटर आलू और पुलाव बना रही हूँ। तो मटर आलू का पुलाव बना रही हूँ तो ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए लाई हूँ क्योंकि हम और इसीलिए बहुत कम सी तादाद में मैंने बनाया, बहुत कम बनाया है, सिर्फ एक कप का बनाया हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं इस वक्त ना इसको डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें क्या खुशबू है इसकी। सिर्फ एक कप बनाया उसके बावजूद भी आप देखें कितना ज़बरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा बन गया। मैं अब ये इसको जो है ये बंद कर रही हूँ, फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ये आप ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर दिया है। थोड़ा सा और निकाल देती हूँ उसमें, है तो काफ़ी। अच्छा जी अब आपको मैं बताती हूँ, मुनव्वर सुल्ताना किचन से बात कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये मैंने बनाया है और ताकि आप लोग खाएं। और रोज़े रमज़ान में देखें मैंने मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, सुर्ख मिर्चें तो बिल्कुल ही नहीं डाली है मैंने। तो अब आप ये देखिए, तो इसके अलावा ऊपर से मैंने थोड़ी सी ये प्याज डाल दी है, ये भुनी हुई प्याज है ये मैं डाली है। सही बस बस ये देखिए आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आते हैं मेरी रेसिपी देखते हैं। जहाँ आप लोग जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह खाते पकाते रहें और जो है रोज़े रमज़ान को एंजॉय करें और आप बाकायदगी से जो है तालीम जो है अपनी जारी रखें, कुरान वगैरह नमाज ये सब, उसके साथ साथ खाने भी पकाते रहें। आमीन। और ये आखिर में मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ।